तो अगर आप लोग जो इस टाइप के पॉडकास्ट शॉर्ट्स बनाना चाहते हो और इससे पैसा कमाना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। सो देखो, जितना पॉडकास्ट शॉर्ट्स बनाने में डिफिकल्ट लगता है उतना ये है नहीं। सिंपल से कुछ इजी स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा और आप भी ऐसे ही पॉडकास्ट शॉर्ट्स अपने फोन से बना सकते हो। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले आपको जो है यूट्यूब पर जाना होगा और जो भी आपको जो है पॉडकास्ट आपको जो है डाउनलोड करना है आपको जो है सिंपल से आपको जो है उस पर क्लिक कर देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिख रहा है ये इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट है। तो आप भी यहाँ पर जो जब भी कोई पॉडकास्ट डाउनलोड करना तो उसका बेस्ट पार्ट देख लेना और उसी का यहाँ पर जो शॉर्ट या आप लोग जो रील बनाना। तो मैंने यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन देख लिया है, आप लोग जो है टाइम ड्यूरेशन जरूर से देख लेना बेस्ट पार्ट का। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, इसमें आप जो 42 मिनट पे आप जो ग्राफ यहाँ पर जो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो मतलब यहाँ पर जो ये बेस्ट पार्ट है। मैं आप जो इसे यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले आपको जो पॉडकास्ट को आपको जो डाउनलोड कर लेना होगा, फिर उसके बाद आपको जो कैपकट को ओपन करना होगा और फिर उसके बाद आपको जो पॉडकास्ट वीडियो को ऐड कर लेना होगा। फिर उसके बाद आपको जो भी आप लोगों ने आप जो बेस्ट पार्ट देखा था ग्राफ में आपको उसी टाइम ड्यूरेशन पर जाना होगा और यहाँ से आपको जो इसे स्प्लिट कर देना होगा और बाकी का जो पार्ट है गाइस वो आप लोग जो डिलीट कर देना। अभी यहाँ पे कुछ बेसिक एडिटिंग आपको जो करना होगा, सिंपल से यहाँ पे आपको जो एडजस्ट पर क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद आपको जो थोड़ा सा आप लोग जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपको जो इफेक्ट में जाना होगा, वीडियो इफेक्ट में जाना होगा और आपको यहाँ पे जो है ग्लो इफेक्ट आपको जो सर्च कर लेना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला आपको जो इफेक्ट यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आप लोग जो है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग जो है ग्लो को कम या आप लोग जो ज्यादा कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो लास्ट में आपको जो एक टेक्स्ट ऐड करना होगा जो कि होगा क्रेडिट के लिए, मतलब जिसका भी आपने पॉडकास्ट वीडियो लिया है उसके चैनल का नाम यहाँ पे आपको जो लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको जो एक्सपोर्ट पर आपको जो क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे जो वीडियो यहाँ पे आपको जो एक्सपोर्ट कर लेना होगा। अब हमें आप जो इसमें ऐड करना होगा सबटाइटल, तो उसके लिए आप मुझे क्लिम चैम आप लोग जो यूज कर सकते हो या फिर आप लोग जो जीमो AI का भी आप लोग जो यूज कर सकते हो। जीमो AI ऐप आपको जो प्ले स्टोर पे देखने के लिए मिल जाएगा और मैं यहाँ पे अभी आपको जो जीमो AI ऐप में आप जो सबटाइटल ऐड करके आपको जो दिखाने वाला हूँ। तो मैंने आप जो इस ऐप को ओपन कर लिया है। जैसे आप लोग जो ऐप को ओपन करते हो यहाँ पे आपको जो काफी सारे कैप्शन टेम्पलेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको जो भी टेम्पलेट सही लगे आप लोग जो वो यूज कर लेना। तो मैंने आप जो इस पर क्लिक कर दिया है। फिर उसके बाद आपको वही क्लिप सेलेक्ट करना होगा जो अभी आप लोगों ने कैपकट में एडिट की है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा लिख के आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको जो फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा स्पोकन लैंग्वेज का, तो इसमें आपको जो वीडियो की लैंग्वेज आपको जो है सिलेक्ट करनी होगी, मतलब उस वीडियो के अंदर लोग किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं ये इसमें आपको जो सिलेक्ट करना होगा। तो मैं हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेट कैप्शन का। सो अगर आपके यहाँ पे अगर आपको जो हिंदी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अदर लैंग्वेज के कैप्शन चाहिए तो आप लोग जो है ट्रांसलेट कैप्शन का यूज कर सकते हो। तो मैं आप जो इसे नहीं यूज करूंगा क्योंकि आप जो मुझे ट्रांसलेट कैप्शन नहीं चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है AI एलिमेंट्स का। सो अगर आप लोग जो है कैप्शन में इमोजी और स्टिकर्स भी यूज करना चाहते हो तो आप लोग जो है इसे आप लोग जो यूज कर सकते हो, इस ऑप्शन को आप लोग जो यूज कर सकते हो। मैं आप जो इसे भी यहाँ पे नहीं यूज करूंगा। अब लास्ट में जो ऑप्शन आता है ये है प्रीसेट ऑप्शन, तो इसमें मैं आपको जो भी आपको जो बताऊंगा वो आपको जो सेटिंग करना होगा। तो मैं अभी आपको जो बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ऑटो हाईलाइट को ऑन करके रखना है। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इससे कैप्शन में कुछ वर्ड्स हाईलाइट हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो शो पंक्चुएशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो अगर आप लोग जो इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग जो कर सकते हो। मैं आप जो इसे भी यहाँ पर जो नहीं यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो लास्ट ऑप्शन आता है वो यहाँ पे जो है मैक्स कैरेक्टर पर लाइन, मतलब आप लोग एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स दिखाना चाहते हो। तो मैं आप जो 10 यहाँ पे जो सेलेक्ट यहाँ पे जो कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है रिकॉग्नाइज के ऑप्शन पर आपको जो क्लिक कर देना होगा। फिर उसके बाद 20 से 30 सेकंड्स में आप जो कैप्शन जनरेट हो जाएंगे। सो अभी आप लोग जो देख सकते हो ये कैप्शन हिंदी में है, बट आप लोग जो इसे आप लोग जो एडिट करके इंग्लिश में कर सकते हो। तो चलो मैं अभी आपको जो एडिट करके दिखा
दिखा देता हूँ। सो देख सकते हो फाइनली मैंने एडिट कर दिया है। सो आप भी कुछ इस तरीके से पॉडकास्ट शॉर्ट्स और पॉडकास्ट रील बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपसे इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।